देश के 5 राज्यों सहित राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, बीजेपी ने कमर कस ली है। राजस्थान के प्रभारी एबीपी न्यूज के साथ अरुण सिंह जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए, चुनाव प्रबंधन के 3 फैक्टर होते हैं, 3 सी फैक्टर होते हैं, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। अपने में विश्वास, जनता के अपने में विश्वास। हमारा आपस में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, संवाद अच्छा रहे, जनता को भी अच्छी तरीके से संवाद करना, जिस वर्ग को जो बात करनी वह करना, और तीसरा कोऑर्डिनेशन, समन्वय। इन तीनों विषयों को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा हो रही है। और आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन तीनों चीज़ों को एकरूपता करते हुए हम हर सीट यहाँ के जोधपुर के 10 की 10 विधानसभा सीटें हम चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है राजस्थान में। सर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय होने वाली राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हमारी सरकार रिपीट हो रही है हमारी योजनाओं को लेकर। नहीं, जनता कह रही है कि कांग्रेस सरकार डिलीट हो रही है, परमानेंट डिलीट हो रही है। उनको रिपीट तो भूल जाएं, उन कांग्रेस के ही विधायक मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं आएगी। जी सर, राजस्थान में कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? सर, मैंने कहा ऐतिहासिक विजय इस बार होगी। अब आप देख लीजिए, जो आपके पास रिकॉर्ड हैं उसको तोड़ते हुए इस बार ऐतिहासिक विजय भाजपा की होगी। और कांग्रेस के तो इतने कम विधायक आएंगे कि आप समझ लीजिए एक फॉर्चूनर पर भी बैठ के नहीं जाएंगे, जा पाएंगे विधानसभा। उनके लोगों ने भी यही कहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर अराजकता है, जंगल राज है, महिला उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है, युवाओं के मन में आक्रोश है, पेपर लीक होता है, करप्शन है, मतलब अलमारी में सोने की सिल्ली पकड़ी जाती है, ऐसा तो अराजकता किसी भी राज्य में नहीं देखा होगा जो गहलोत जी के शासनकाल में हुआ है। इसीलिए लोगों के मन में गहलोत के खिलाफ जहां आक्रोश है, वहीं उनके मन में एक उत्साह और एक आशा की किरण पूरी दिख रही है कि भाजपा की सरकार यहां आएगी और सबको न्याय दिलाएगी और उसके साथ प्रदेश का सर्वांगीण विकास करेगी। सर, सर्वांगीण विकास तो करेगी, लेकिन कहते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैं जादूगर हूँ, जादू हो जाएगा। अरे, जादूगर को लोगों ने, जनता ने पहचान लिया है कि जादूगर अब नहीं, जादूगरी नहीं चलने वाला है। रोज़ रोज़ नई नई घोषणाएं करना, अब घोषणा इतनी कर दिया कि उनको खुद ही नहीं मालूम है कि सुबह क्या घोषणा किया, शाम को ही ये नहीं बता पाते कितनी घोषणा किया। जो व्यक्ति पिछला साल का बजट पढ़े उसको यही नहीं पता है कि इस साल का बजट है। और जो व्यक्ति गृहमंत्री हो, वो कौन सी जादूगरी किया? महिलाओं पे जो अत्याचार और बलात्कार की घटना है, उनको गोली मारना और उसके बाद कुएं में डाल देना, गैंग रेप करना, आदिवासी दो लड़कियां अभी आत्महत्या की हैं क्योंकि उनको सुनवाई नहीं हो रही थी, ये कौन सी जादूगरी है? सर, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में जो चुनाव की जो घोषणा हो रही है, घोषणा के साथ ही जिस तरह बीजेपी ने तैयारी कर ली है।